हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक केटल के द्वारा चाय कैसे बनाई जाती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक केटल को देते हैं। इसमें हमने क्या डाल दिया, दूध डाल दिया। दूध मैंने पहले डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देता हूँ। दूध डालने के बाद इसको क्या करते हैं, बॉइल करते हैं। बॉइल करने के लिए सबसे पहले इसके इलेक्ट्रिक केटल, ये हमारे पास पिजन की इलेक्ट्रिक केटल है 1.5 लीटर की। यहाँ पर पिजन का साइन लगा हुआ है और इसके नीचे यहाँ पर एक क्या है, गोल कुछ ही पता नहीं। और ये एक प्लेट आती है, इसको वायर में लगा दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस इलेक्ट्रिक केटल को यहाँ पर इसके ऊपर फिर 60 डिग्री पर रोटेट हो जाती है। कैसे भी इसको फिक्स कर सकते हैं, ये स्विच है, इसको ऑन कर देते हैं और यहाँ से लाइट का स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे, हमारे इलेक्ट्रिक केटल काम करना चालू कर दे। मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पर साइन हो गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लाइट ऑन हो चुकी है और हमारा जो दूध है वो गर्म होने लग गया है। तो देखते हैं कैसे गर्म होता है, कितने टाइम लगता है। मुश्किल से 1 मिनट के अंदर हमारा दूध है जो बॉइल होने लग जाएगा। तो मैं पत्ती डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए ये पत्ती है। मैंने पत्ती डाल चुका हूँ, अब चीनी डाल देते हैं। फिर टेस्ट के अनुसार चीनी डाल सकते हैं। और चीनी जब डालने के बाद आप इसमें इलायची डाल सकते हैं, जो मैंने पहले ही कूट दिया है इलायची को। टेस्ट के अनुसार इलायची आप डाल सकते हैं। ये देख लीजिए, चाय हमारी बन के रेडी हो गई है। तो आपको वीडियो कैसे लगा, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।